मैं जानता था कि आप यहां आएंगे। आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ साईं। अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कल गांव में जो पूजा है उससे पहले आप आ जाएं। हाँ, मैं सामान बेच के जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। कहाँ चल दिए काशीराम? अहमदनगर में बड़ा बाजार लगेगा सरकार, वहीं जा रहा हूँ। अपने व्यापार की बड़ी चिंता है तुम्हें? शिरडी की कोई चिंता नहीं सरकार, व्यापारी का तो धर्म है व्यापार करना। धर्म पर मुझे उपदेश दे रहा है तो काशीराम? यदि मैं चाहूं तो शिरडी के बाहर पैर नहीं रख सकता तो? समाज सरकार, आपको क्रोधित करना मेरा मकसद नहीं था। सरकार, यज्ञ के लिए जिस चंदे की मांग की गई है मैं आज शाम को ही भिजवा दूंगी सरकार। काशीराम जी के हिस्से का चंदा हम अभी वसूल कर लेते हैं। क्यों सरकार, क्या कहते हो आप? बहुत ही अच्छा विचार है। हरिओम। सरकार सरकार। हरिओम। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी का चंदा घर आकर ले लेंगे। काशीराम, जाने की अनुमति दे रहा हूं, आकर भेंट देना ना भूलना, वरना बहुत दुखी हो जाऊंगा मैं। जी सर। हरिओम। जंगल से जा रहे हो ना काशीराम, संभल के जाना। हाँ, मैंने सुना है डाकुओं का नया गिरोह आ गया है, उन्हें जो भी सामान दिखता है लूट लेते हैं। सुनिए, मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जोखिम तो उठाना पड़ेगा गोदा, ये बाजार साल में एक बार ही लगता है, व्यापार करने का अच्छा मौका है। हे खंडोबा, इनकी हर मुसीबत से रक्षा कीजिएगा। लोगों का जाना आना बंद होगा जंगलों से तो हम डाकुओं का क्या होगा? दिन भर से कोई हाथ ही नहीं लगा। अगर आज कोई नहीं मिलता है तो हमें बाहर जाकर गांव ही लूटने पड़ेंगे। चुप! तुम लोग अगर अपनी बकबक बंद करके थोड़ा सतर्क रहते तो दो दिन पहले जो चूक हुई थी वो नहीं होती। डाकुओं के हाथों से लोग अगर ऐसे ही बच के निकलते रहेंगे तो डाकुओं का डर ही निकल जाएगा। कहाँ जा रहे हो? आगे वही जा सकते हैं जिनके कर्म अच्छे हों। भेंट लाए हैं सरकार के लिए और आप लोगों के लिए भी। कर्म अच्छे नहीं है तो क्या हुआ अंता जी, अपने लिए भेंट क्यों लाए हैं ना? लाओ, जाओ अंदर, आराम से जाना। हाँ,
उस बैरागी के बारे में बात तो नहीं की? नहीं सरकार, सबके दिमाग में तो अब पूजा और यज्ञ ही घूम रहा है। सबने चंदा जो दिया है। अरे ओ, मैंने कहा था ना, लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। खुद पर आए तो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप महान हो सरकार, पूरे शिरडी के एक में वो पालनहार आप ही तो हो। अरियो, अरे अंता जी, ये क्या कर रहे हो? इस महापूजा में लगने वाली सामग्री सबसे ज्यादा इन्हीं के घर से तो आई है, तो सबसे पहले इन्हीं का हक बनेगा ना। आइए पधारिए। कहने को पूरे गांव की पूजा है, सामान सारा हमारे घर से लूट कर लाया गया है। पाप किसी का छूना पड़ रहा है हमको। अपनी भूमि को पवित्र रखना हमारा धर्म है। तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले शिरडी से गुजरते रहते हैं, लेकिन शिरडी ने किसी को रुकने नहीं दिया। इस भूमि को शापित अपवित्र होने नहीं दिया, लेकिन समय के साथ साथ यहां अधर्म प्रबल हो गया। इस भूमि को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए आज हम अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे, ताकि वो हमारी पुकार देवताओं तक पहुंचाए और देवता इस भूमि को पुनः पवित्र करने की कृपा करें। गांव वालों के सामने साईं का नाम नहीं ले रहे, पर मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। ना ही वो ढोंगी है, ना ही वो शिरडी छोड़कर भागा है। साईं ने मुझसे एक वादा किया था और वो वापस जरूर लौट कर आएगा। फकीर लग रहा है, इसके पास क्या मिलेगा? आजकल फकीर ही बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मरेगा बेचारा। इसे मारकर क्या फायदा? भय, लोगों में यह चेतावनी जाना जरूरी है कि जब भी डाकू मिले उससे बचने के लिए उनके हाथ में धन होना चाहिए। इसके बाद कोई भी यहाँ से गुजरेगा खाली हाथ नहीं गुजरेगा। चलो। क्या बात है भाई साहब, आप ठीक तो हैं? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
कहां भटक रहे हो? भटके तो तुम हो जो डाकू राणा के इलाके में आ गए। ऐसे क्या देख रहे हो? डाकू राणा का नाम नहीं सुना कभी? तभी तो मरने चले आए यहाँ, नए मालूम पड़ते हो। मैं तो हमेशा से यही था। अच्छा, फिर भी डाकू राणा का नाम नहीं सुना? डाकू राणा इस जंगल का राजा है। राजा वही फैसला करता है इस जंगल में कौन जिएगा कौन मरेगा। लोग उनके नाम से कांप उठते हैं। चलो निकालो जो भी तुम्हारे पास, सामने रख दो। देने के लिए अमूल्य धन है मेरे पास, लेकिन उसे सामने नहीं रखा जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस करना होता है, आत्मसात करना होता है। दगड़ू सरजा, लेकर आओ उसे। लो, आ गया बुलावा। डाकू राणा का बुलावा मतलब यम का बुलावा। पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहर किनारे फेंक दो इन दोनों को। जानवर पानी के साथ साथ खाना भी खा लेंगे। जंगल में रक्त और वक्त सिर्फ राणा की मर्जी से बहता है। आंखें नीचे कर। साई, जरूर मेरी ये घबराहट साई के लिए है। हे खंडोबा, मेरे बेटे की रक्षा करना। अपने सच की रोशनी से डरते हो या झूठ के अंधकार से? ना तू बुद्ध है और ना मैं अंगुलीमा। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? सुना नहीं तुमने? मैं इस जंगल का राजा हूं। लेकिन इस जंगल में तुमसे भी बड़ा एक राजा है राणा। इस जंगल में
और भी कोई राजा है और तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। नहीं नहीं सरदार, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जंगल में आपके सिवा कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। जंगल का पत्ता पत्ता आपके नाम से कांपता है। मेरे आदमी इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को नहीं जानते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं। ठीक है, तू आज मिलवाओ मुझे। कहाँ है वो? यहीं, हमारे बहुत पास। ये कैसा राजा है हा? जो दिखाई नहीं देता। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। खेल खेल रहे हो हमारे साथ? नहीं राणा, मैं सच कह रहा हूं। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। ठीक है, तेरे मरने से पहले ये खेल भी खेल लेता, बहुत मनोरंजन होगा। वैसे भी तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मेरे मन की आंखों में अगर वो राजा दिख गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो राजा नहीं दिखा तो मैं तेरा गला काट दूंगा। कहाँ है तेरा राजा? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? लगता है मुझसे डर कर छुप गया है, सामने नहीं आ रहा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश में तेरा गला कटने वाला है। ये क्या फालतू के पेड़ पौधे दिखा रहा है? अब तू खेल हार गया है, अब इसकी सजा मिलेगी। फकीर तो ऐसे खड़ा है जैसे ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है। राणा की कुल्हाड़ी किसी को छू भी जाए तो खून की नदियां बहा देती है, फिर इसके शरीर से खून की एक भी बूंद कैसे नहीं बही? ना रक्त तुम्हारा और ना वक्त तुम्हारा। मेरे एक इशारे की देर है। अब बोल, राजा कौन?
शस्त्र की धार पर जो राज करे उसे राजा नहीं कहते राणा। राजा तो वो है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, उनकी रक्षा करे, भयभीत नहीं बल्कि अपनी प्रजा को भय मुक्त कर दे। उनसे कुछ ले नहीं बल्कि अपना सब कुछ अपनी प्रजा को दे दे। और जानते हो राणा, असली राजा तो अपनी प्रजा के सुख का श्रेय भी नहीं लेता, क्योंकि वो उसे अपनी उपलब्धि नहीं अपना धर्म मानता है। उपदेश देके भटकाओ मत। तुमने कहा इस जंगल में एक राजा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? हम इंसानों की एक समस्या है राणा, जानते हो क्या, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब तुमने जंगल के इस राजा को देखना चाहा, उसे ढूंढना चाहा, तो तुमने अहंकार की नजर से देखा, नफरत की नजर से देखा, चुनौती की नजर से देखा। पर जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं, अहंकार तो उसमें है ही नहीं, नफरत तो उसमें है ही नहीं, तो फिर वो तुम्हें कैसे दिखता? आदर्श राजा वो है जिसकी करुणा, जिसकी अच्छाई, जिसका प्रेम राज्य के कण कण में, प्रजा के उद्धार में साफ नजर आए, जो प्रजा के सम्मान, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के सुख में साफ प्रतिबिंबित परिभाषित हो, वही राजा है। इसीलिए जब तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की, तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए, और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? जब तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की, तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए, और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? हाथ पे ये चोट कैसे लगी? छोड़ो मेरा हाथ। जब तक तुम्हारा इलाज नहीं कर देता, नहीं छोड़ सकता। बैठो यहां। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा यहां बैठो। चलो मुझे न इलाज चाहिए न तुम्हारी कृपा। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो तुम मुझे? जाओ, माफ किया तुम्हें, चले जाओ ऐसे। चलो सब ऐसे चलो। अज्ञान तिमिर से घिरा है ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम साई।
मैं सहारा देना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? सरदार तो वापस फकीर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अपने साथी का ख्याल नहीं रखते हो? अगर सही वक्त पर इलाज ना हो तो सड़न के कारण यह हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। कभी कभी दर्द दवा बनकर आता है और कभी दवा दर्द बनकर, लेकिन जो भी हो मकसद दोनों का एक ही है, तकलीफ का दूर होना। अब हम सब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, हे ईश्वर कुलकर्णी सरकार द्वारा आयोजित इस यज्ञ को सफल करें और शिरडी में जो अशुद्धि हुई है उसका इलाज करने की कृपा करें। हरिओम। कर्म के फल से हम भाग नहीं सकते मेरे दोस्त, भले ही हम कितने ही गहरे वन में जाकर लोगों को लूटें या कितनी ही गहरी गुफाओं में जाकर तपस्या करें, कर्म का फल हम सबको भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे इस हाथ ने जिन जिन लोगों को दुख पहुंचाया है उनकी पीड़ा इस हाथ को भुगतनी पड़ रही है, और यह दर्द तुमसे कुछ कह रहा है, जानते हो क्या? यह कह रहा है कि राणा कहां जाना चाहता है तू? एक रास्ता है पाप का जिस पर तू अब तक चलता आया है, और एक रास्ता है पश्चाताप का। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। लकड़ी गीली है, कौन लाया ये लकड़ी? धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले को 100 कौड़े पड़ने चाहिए। बुलाओ उसे। लकड़ियां तो सूखी हैं।
झूठ बोल रहा है मेरा दर्द। पश्चाताप का रास्ता मेरे लिए कब का बंद हो चुका। अच्छा, एक बार मेरे साथ देखना चाहोगे कि वो रास्ता खुला है या नहीं? कैसे? याद करो ये चोट तुम्हें कैसे लगी। कुछ याद आया? कल रात वो व्यापारी, क्या जरूरत थी उसे अपनी हिम्मत दिखाने की? क्यों उसने सीधे सीधे अपना सारा धन हमारे हवाले नहीं किया? अगर वो मुझे धक्का नहीं देता तो उसे एक पल अपने इस हाथ में लगी चोट को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी कुल्हाड़ी से, इसी हाथ से उसे मारा मैंने। पंताजी, इस हवन कुंड में मुझे अग्नि चाहिए। अग्नि घी डाल के देखता हूं सरकार। हवन कुंड में आग का ना जलना यह अच्छा संकेत नहीं है। ये घी अशुद्ध है, शुद्ध घी लाओ। घी शुद्ध नहीं। मुझे तो लगता है इस यज्ञ के पीछे की मंशा ही अशुद्ध है। खंडोबा ने एक माँ के विश्वास की लाज रखी है आज, और अग्निदेव ने प्रकट ना होकर ये सिद्ध कर दिया है कि साईं को उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तन के रोगों के लिए औषधि तो इस वन में मिल जाएगी, लेकिन मन के रोग जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, अहंकार, इन रोगों के इलाज की औषधि तो इंसान के अंदर उसके मन में उपजती है। जरूरत है तो बस अपनी उस संजीवनी को खोजने की। कहाँ खोजूं? कैसे खोजूं? तुमने अपने मन में जो दीवारें उठा रखी हैं, उन्हें गिरा दो, उनके पार देखो। वहां तुम्हें वो लोग दिखेंगे तुम जिनसे हमेशा भागते रहे, चिढ़ते रहे, क्योंकि वो लोग तुम्हें हमेशा भलाई के रास्ते पे लाने की कोशिश किया करते थे, जैसे तुम्हारी मां। कभी मां याद नहीं आती? बहुत साल हो गए ना उससे मिले हुए। वो दिन याद करो जब उसने तुम्हें धमकाया था,
कहा था कि तुम्हारी हरकतें बाबूजी को बताई। क्या किया था तुमने? घर ही छोड़कर भाग खड़े हुए? मां तो केवल तुम्हारी भलाई चाहती थी। ये क्या हो रहा है सरकार? कुछ कीजिए तो लोगों का आप पर से विश्वास उड़ जाएगा। जिस मनीषा से मैंने इस यज्ञ की चाल चली थी वो तो उल्टी ही पड़ रही है। बड़ी अपमानजनक स्थिति बन गई है मेरे लिए। कुछ तो करना पड़ेगा। हरिओम। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अपशकुन हो गया है जो अग्निदेव प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। मैं बताता हूं आपको इसका रहस्य। शुभ कार्य में सब शुद्ध मन से सम्मिलित हो तो ही वो कार्य संपन्न होता है। लेकिन यहां एक स्त्री है जिन्हें शिरडी की शुद्धि चाहिए ही नहीं। हम यहां सब प्रसन्न हैं लेकिन ये दुखी खड़ी है। आंसू बहाती हुई जैसे हम सब शत्रु हैं शिरडी के। जैसे शिरडी की भलाई का उत्तरदायित्व तो केवल इनका है। मेरे आंसुओं का कारण आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये आंसू प्रमाण है किसी की निर्दोषता के। किसी की निश्चलता के, किसी की पवित्रता के। अरे इसे चुप रहने के लिए कहेगा कि नहीं? यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। यज्ञ असफल होने की कामना तथा उसका प्रयास दानव ही करते आए हैं। मुझे लगा आप सब लोग शिरडी का भला चाहते हो इसलिए मैंने सबको आमंत्रित किया। लेकिन ये मेरी भूल थी। लेकिन अब मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा। बल्कि इस समस्या के समाधान का दूसरा मार्ग निश्चित करूंगा। अपनी पत्नी की आड़ में छुपकर मुझ पर वार किया है आपने अप्पा जी। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिओम। ये बात कोई नहीं जानता। मेरे अलावा किसी को नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? कभी सोचा मां कैसी होगी, किस हाल में होगी, तुम्हारी राह देखती होगी, कितना कोसा होगा उसने अपने आप को उस दिन को जब उसने तुम्हें खो दिया था। कितना दुख सहा होगा उसने तुम्हें खोने पर। और क्या तुम्हारी मां को फक्र होगा कि उसका प्यारा लाड़ला बेटा बेखूंखार डाकू बन चुका है? तुम्हारे किए हर पाप में वो खुद को भागीदार मानती होगी। जितना दुख तुम्हें है, जितनी तकलीफ तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हारी मां को है। एक तो तुम्हारी तकलीफ, ऊपर से तुमने जिन लोगों को लूटा मारा उनकी तकलीफ भी सहेगी वो। राणा, तुम्हारे नाम से लोगों की नींद उड़ जाती है ना, लेकिन वहां तुम्हारी मां तुम्हारी चिंता में सुध बुध खोकर बैठी होगी।
संसार में किसी को भी दुख देना पाप है, लेकिन मां बाप को दुख देने से बड़ा पाप कुछ हो सकता है क्या? पश्चाताप आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम कोशिश भी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है मेरे, मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़ के मत जाइए, रोशनी तक का रास्ता दिखा दीजिए मुझे। जब तुम्हें अपने अंधेरे का एहसास हो गया है तो यहाँ से रोशनी तक का रास्ता तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें तय करना है, और तुम्हारी यही तलाश तुम्हारे पश्चाताप की यात्रा बनेगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा पहला कदम बता सकता हूं। हथियार फेंक दो, लोगों को लूटना बंद करो, शुरुआत तो यहां से कर सकते हो ना। बाहर नहीं आऊं तब तक मेरे कक्ष में कोई नहीं आएगा और ना ही मुझे कोई पुकारेगा। ए गांव वालों, देखा इनको क्या हो गया, देखा इनको। हुआ काशीराम को? जंगल की तरफ से आ रहा था तभी उनको इस हालत में देखा, पता नहीं क्या हुआ इनके साथ। अब चल रही है नहीं, समझ नहीं आ रहा है। इसमें अवश्य डाकुओं का हाथ है, हम तो इसे कुलकर्णी सरकार ही ठीक कर सकते हैं। तुम सब लोग इसे लेकर घर जाओ, मैं कुलकर्णी सरकार को लेकर आता हूँ। चलो चलो जल्दी।
रुक जा। पहले ही तुम्हारे कारण गांव में इतना कुछ हुआ है, दूर रहो यहां से। मैं यहां इलाज करने आया हूं। शिरडी के वैद्य कुलकर्णी सरकार हैं, वही करेंगे मेरे भाई का इलाज। कुलकर्णी सरकार अभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन और इंतजार किया तो काशीराम के प्राण निकल जाएंगे। हाँ, अब खून भी कितना बह चुका है, अब क्या करें, कहाँ जाएं इसे लेकर। रुक जाओ, मैंने कहा ना मेरे भाई से दूर रहो। दादा, साईं पर विश्वास रखो। काशी के इलाज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कुलकर्णी सरकार पर विश्वास करूंगा। मैं उनका इंतजार करूंगा, ये मेरा फैसला है। कोई और मेरे भाई का इलाज नहीं करेगा। दादा, काशी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके विश्वास की परीक्षा दे। स्थिति को समझिए दादा, भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुलकर्णी सरकार के लिए रुकना है तो आप रुकिए, पर तब तक साई को इलाज करने दीजिए काशी का। नुकसान तो कोई नहीं है, अगर है तो सिर्फ फायदा। आइए साई। काशी, उठो काशी। मैं जानता हूं तुम हार नहीं मानना चाहते। मैं जानता हूं कि तुम अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने भाई और इस शिरडी से बहुत प्यार करते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कितने काम अधूरे पड़े हैं जिन्हें तुम्हें ही पूरा करना है। लेकिन तुम्हारा यह शरीर साथ नहीं दे रहा है, बहुत गहरी चोट लगी है ना काशी। हार मत मान, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो। मैं इस शरीर से हार मत मान। कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा था भूल गए क्या? साई प्रकृति के नियमों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है और उसका हर्जाना पूरी शिरडी को भुगतना पड़ेगा। अभी मुझे डर तो इसी बात का लग रहा है, कहीं साई के इलाज करने से एक और मुसीबत ना खड़ी हो जाए हम सबके लिए। पानी और नीम के कुछ पत्ते चाहिए।
पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। झूले पे कैसे बैठ गए तुम? हम इस घर पे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। जानते हो ना, सरकार के हम दोनों दाएं और बाएं हाथ हैं। दाई और बाएं आंखें भी, कान भी, नाक भी, टांगे भी। और एक बार शिकायत कर देंगे तो पता चलेगा। लाओ लाओ, अरे छोड़ो, उठो यहाँ से। एक बात बोलू, उपद्रवी वानर होते हैं ना, वैसे ही हो तुम दोनों। नर्मदा जी, गाय को चारा डाल दो। जी। कौन आया था, किस पे चिल्ला रहे थे? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मालसापति। मानसपति जी, पर क्यों, क्या हुआ? वो आया था सरकार को पूछते हुए। काशीराम है ना, कपड़ों का व्यापारी, उसे डाकुओं ने बहुत मारा है और बचने के आसार भी नहीं है। सरकार को क्यों नहीं बताया? सरकार ने तो मना किया है ना, उन्हें किसी से नहीं मिलना, तो हम कैसे जा सकते हैं उनके पास? यहाँ किसी की जान खतरे में है और आप लोग? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो देख लेना। दादा, साई को काशी का इलाज करने दीजिए। काशी के बचने की अब एक ही उम्मीद है और वो है साई। काशी को कुछ नहीं होगा। दादा, आपको कुलकर्णी सरकार का इंतजार करना चाहिए था, उनसे अच्छा वैद्य नहीं है कोई यहाँ। हाँ, लेकिन इलाज के लिए वैद्य का मौजूद होना भी तो जरूरी है ना। इलाज नहीं होने से तो अच्छा है कि जो हो रहा है वही बेहतर है। और आप तो जानते ही हैं, कुलकर्णी सरकार ऐसे किसी के लिए नहीं आते, उसी को सौभाग्य मिलता है जो उनके दाम दे सके। मोनी के पिता को भूल गए? सांप ने डसा था, सरकार ने उसको जिंदा कर दिया, और फिर उनका इलाज भी तो पता है, एकदम रामबाण। और इस साई का क्या पता? एक तरफ इनका क्रोध, दूसरी तरफ काशी के प्राण। मेरे आदेश की अवमानना करने का उपयुक्त कारण नहीं होगा तो बहुत पछताएगे। तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं,
लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, काशीराम के प्राण संकट में हैं और आप शिरडी के वैद्य, आपके अलावा यहाँ के लोगों की मुश्किलें और कौन दूर कर सकता है? दूर कर रहा है मुश्किल सरकार, काशीराम का इलाज कोई और कर रहा है सरकार। कौन? पता नहीं, पर कोई तो है जो उसका इलाज कर रहा है। क्या इसे बुखार है? अब तक बुखार आए तो अच्छा है, इसका मतलब शरीर रोग से लड़ रहा है। मेरा विकल्प ढूंढने का दुस्साहस कैसे कर लिया इन लोगों ने? इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा शिरडी वासियों को, देख लेना। लेकिन उससे पहले उस बैंस को कोड़े मार के निकलवा दूंगा शिरडी के बाहर। हरिओम, हरिओम। कौन है जिसने मेरे शिरडी में काशीराम का उपचार करने का अपराध किया है? धुआं अपने आप कम हो जाएगा। तुम दोनों ने तो कहा था कि साई तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सरकार। सरकार, मैं जानता था अब जरूर आएंगे। काशी का इलाज केवल आप ही कर सकते हैं। बंद करो ये नाटक। यहाँ तो पहले से उपचार चल रहा है, ये यहाँ कैसे? यहाँ इसे किसने बुलाया? जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। लेकिन सरकार, अब आप आ गए हो, काशी को कुछ नहीं होगा। क्या तात्पर्य है तुम्हारे कहने का दादा? क्या तुम्हें वैद कुवैद में अंतर पता नहीं है? इतने वर्षों के अध्ययन, शोध और अनुभव के पश्चात यहाँ तक पहुंचा हूं मैं, लेकिन तुम लोगों को एक क्षण नहीं लगा एक ढोंगी को, एक ठग को वैद्य के रूप में स्वीकार करने में। क्या यही है मेरे इतने वर्षों की सेवा का फल? क्या यही है इतने रोगियों की पीड़ा दूर करने का पुरस्कार? अब सुन लो, काशीराम का उपचार किसी और ने आरंभ किया है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो उपचार के मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके परिणाम के उत्तरदायी भी तुम लोग ही होगे। हरिओम। नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खांडूबा जी की इतनी कृपा है जो आप पर। पहले सोचना चाहिए था दादा। इसे जो लेप लगाया गया है, इसे लाभ नहीं बल्कि हानि पहुंचा चुका है काशीराम को दादा। मुझे वेखंड चाहिए। वेखंड? इस उपचार में वेखंड? अद्भुत। घर में वेखंड नहीं है साईं। प्यास तो होगा। वेखंड नहीं है तो कांदा लाओ, कांदा नहीं है तो अदरक लाओ, अदरक नहीं है तो हरी मिर्च लाओ।
अरे मेरे स्नेह तो कुछ मेरे लाओ 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 घर में जो भी है लेके आओ। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है यहाँ पे उपचार हो रहा है या भोजन बन रहा है। अरे ओम, लेकिन कुछ भी हो काशीराम की खिचड़ी बहुत अच्छी बन रही है। काशीराम को ये औषधि चटानी है। नहीं बचेगा, तेरे ढोंग से ये नहीं बचेगा, देख लेना। श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा और सबूरी से सब कुछ हो जाता तो संसार में वेदों की आवश्यकता ही नहीं होती। जब बात प्राणों पर आती है ना तो श्रद्धा सबूरी सब निरर्थक हो जाते हैं। आप सब लोग भूल चुके हो, जब मौनी के पिता के प्राण बचाने थे तो आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे। भूल गए सबके सब। श्रद्धा और सबूरी के चक्कर में पड़ते तो क्या होता। लेकिन ठीक ही है, शिरडी की जनता को सत्य समझने के लिए काशीराम को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। काशीराम का समय अभी पूरा नहीं हुआ है और ना ही उसके शरीर का उद्देश्य पूरा हुआ है। चुनौती स्वीकार करोगे? विश्वास करेंगे? डर गए? डर और विश्वास में जब जब संघर्ष हुआ है, जीत हमेशा विश्वास की ही हुई है। अपने वेद, अपने ज्ञान, अपने विवेक की उपेक्षा कर तंत्र मंत्र करने वाले पर विश्वास करो? मूर्ख समझा है मुझे? मुझे केवल अपने अनुभव पर विश्वास है और मेरा अनुभव तेरी कल्पना से कहीं अधिक है। फिर भी सीमित ही है। आखिर अगर हम जिंदगी के करिश्मे पर यकीन करना छोड़ दें तो इसमें समझदारी कैसी। जिंदगी के चमत्कारों पर अचंभित होना छोड़ दें तो शायद हम जिंदा ही नहीं हैं। बहुत कुछ है जिसका अनुभव होना अभी बाकी है। जिंदगी से बड़े ना हम थे, ना हम हैं और ना ही कभी हो पाएंगे। हरिओम, अनुभव तो तुझे अब होगा। काशीराम मरेगा और तेरा पाखंड सबके सन्मुख होगा। थक्के मार कर निकालेंगे यही लोग तुम्हें शिरडी से, देख लेना। साई, काशी की सांस। अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे काशी को बचा लीजिए सरकार, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। नाटक बनकर। साई के उपचार में तुम्हारी छुपी मंशा दिखाई दे रही है मुझे। काशी की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति हड़पने की मंशा।
नहीं तो तुम्हारे इच्छा के बिना तुम्हारे भाई को कोई हाथ भी लगा सकता है भला। भूल हो गई सरकार, भूल हो गई साई को ना रोकने की। मैं मानता हूँ आपका इंतजार करना चाहिए था, पर क्या करता, मजबूर था सरकार। पूरा शिरडी जानता है कि ये अपने भाई से कितना प्यार करता है। मेरा निर्णय था कि आपके ना आने पर साई उसका इलाज करे। अरे ओ, तो कुलकर्णी सरकार का विकल्प आप चाहते हैं अप्पा जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। जब कांशीराम की आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी, तभी सबकी आंखें खुलेंगी। हरिओम। हरिओम। क्या कहा था मैंने? हाँ, मेरे अनुभव पर मेरा पूरा विश्वास है। उल्टी सांसें ले रहा है वो, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। नहीं। श्रद्धा और सबूरी पराजित हुए। हरिओम। श्रद्धा और सबूरी पराजित हुए। हरिओम। अब रोने से क्या फायदा गोदा? तुम सबकी मूर्खता का मूल्य चुकाना पड़ रहा है काशीराम। दादा, अब कहो उस ढोंगी से कि जीवित करे काशीराम को, कह दो उसके निर्जीव शरीर में प्राण फूंकने के लिए। गोदा, शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया हो। अच्छा, यदि तुम कुछ दिन और रुका शिरडी में तो शोक मनाने के लिए कोई बचेगा नहीं। गोदा, तुम चलो अंदर चलो। आ गया।
अपना झोला उठाकर भाग गया। एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए तुम लोग। श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाने वाला स्वयं श्रद्धा और सबूरी का पालन किए बिना भाग गया। हरि ओम। अब मनाओ खुशी। इस पर विश्वास किया था आप लोगों ने? इस पर, इस कायर पर? जब बात नहीं बनी तो पलायन कर गया। तुम लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है? जब इस कांशीराम की अर्थी उठेगी और उसके साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गूंज उठेगा, तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी। काशीराम की अंतक्रिया की सामग्री का प्रबंध करो। मूल्य मैं चुकाऊंगा। जाओ। चलो। एक पत्नी के पास सिवाय उसके विश्वास का कुछ भी नहीं होता, और उसी विश्वास का सूत्र है ये। एक विवाहिता स्त्री की ताकत, उसकी शक्ति, श्रद्धा और सबूरी की शक्ति। सरकार को काशीराम तक पहुंचने में देर ना हुई हो, मुझे तो गोदा के बारे में सोच सोच कर ही दुख हो रहा है। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। नर्मदा घी दो। अभी अभी गांव वालों को कुछ बातें करते सुना मैंने, लगता है आखिर गांव वालों की अक्ल ठिकाने आ ही गई। घी दो। क्या हुआ? धर्म की जीत, वो अधर्मी भाग गया। सत्य की जीत, वो ढोंगी भाग गया। मेरे दादा की जीत, तुम्हारा साई भाग गया। और काशीराम मर गया? और अगर नहीं मरा होगा तो मर जाएगा। आए बड़े सब लोग, साई से उसका इलाज करवाने वाले थे। साई से इलाज से पहले तो वो लोग इनके पास ही आए थे। अगर यही समय पे नहीं पहुंचे तो इसका दोषी और कौन होगा? और अगर काशीराम जिंदा ना बचा तो ये जीत किसकी और कैसी? हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अपराधी दादा है? आई बड़ी। सरकार आरती का सारा सामान लेकर आ गए। हरि ओम। तैयारी करो। जी सरकार। जी सरकार। काशी अभी मरा नहीं, फिर भी कुलकर्णी सरकार क्यों उसकी अर्थी बनवा रहे हैं? अर्थी तैयार है सरकार। हरि ओम। देख क्या रहे हो, उठाओ काशी को। श्रद्धा सबूरी। अरे ये तो वापस आ गई। Thank you.
ज्ञानी लोग, तुम सबको नौटंकी अच्छी लगती है ना? मर रहे आदमी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और तुम सब लोग देख रहे हो। सरकार, बेलपत्र तो शरीर में फैले विष को बेअसर कर देता है। विष के निष्क्रिय होने का लाभ उसे मिलता है जिसके शरीर में प्राण शेष हो। पंताजी, काशी तो अब सब उपचार से, चमत्कार से परे है। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको। स्वागत है तुम्हारा काशी। साई ने काशी को बचा लिया। काशी ठीक हो गया। साई, मुझे माफ कर दो। आस्था मालिक पे रखो, वो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, भले ही वो हमारी इच्छा के अनुसार हो या ना। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। चमत्कार हो गया सरकार, ये तो। दादा, दादा रुको, दादा जीत का तिलक तो लगाने दो। साईं, आप बिना कुछ खाए पिए काशीराम का इलाज करते रहे, ये लीजिए दूध पी लीजिए। कोई पीड़ा में हो, मुश्किल में हो तो अपना ख्याल कैसे आ सकता है? दूसरे की तकलीफ में खुद को खो देना
एक तपस्या की तरह है। शरीर अपनी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं भूल जाता है। पानी पिलाओगी भाईजाम? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। मैं पिलाता हूं। चलता हूं साईं। शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया। स्वागत है तुम्हारा काशी। साई ने काशी को बचा लिया। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। स्वागत है तुम्हारा काशी। सबूरी। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मुझे शिरडी वापस भेजा। मैंने सुना है उस ढोंगी की जिम्मेदारी ले रखी है तूने। काशीराम का इलाज कराने का ठेका तूने ही ले रखा है ना? मैं समझ सकती हूँ कोई एक इंसान दूसरे इंसान के बहकावे में आ सकता है, लेकिन ये ढोंगी बाबा होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। परिवार के किसी एक सदस्य को पकड़ लेते हैं, फिर पूरे परिवार को बहकाने की कोशिश करते हैं। पर तू तो पहले ऐसा नहीं था, हाँ? और तूने तो कसम ले रखी थी ना कि उस ढोंगी का साथ नहीं देगी, फिर भी उसका साथ दिया। क्या लगता तुम लोगों को, हाँ, कि आई तो वेड़ी है, इसे तो कुछ समझ नहीं आता, इसे तो पता भी नहीं चलेगा। देख लेना,
अगर काशीराम को कुछ हो गया ना तो पूरा गांव। आई, काशीराम को कुछ नहीं होगा। साई ने अपने इलाज से काशीराम की जान बचा ली है। और जहां तक कसम की बात है, तो कसम साई से बात ना करने की थी, पर भाईजा ने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी। अरे, काशीराम का इलाज करके साई कुलकर्णी सरकार का और भी बड़ा दुश्मन बन गया है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। याद नहीं तुम लोगों को, कुलकर्णी सरकार कैसे हमारे घर का सारा सामान लूटपाट के ले गए थे। अब तो लगता है इस घर को जला ही डालेंगे। अरे, उस काशीराम के प्राणों का सवाल था, इसलिए समझ सकती हूँ। लेकिन आइंदा, आइंदा उस ढोंगी का साथ दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हे पांडुरंगा, बुद्धि दे इन दोनों को। राम 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 राम। अब पानी दे उसको, जा। तानपुरा बजा रहे हो और वहां शिरडी का नया वैद बनने की तुतारी बजा रहा होगा वो साई। आंखें बंद रखने से सच बदल नहीं जाएगा दादा। बंद नेत्रों से मैं वो देख लेता हूं जो तुम लोग खुले नेत्रों से भी देखने योग्य नहीं हो। कैसे? नेत्र बंद हो तो कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। जू मैं नहीं समझी। साईं ने क्या कहा था? जो लोग काशी की इस दशा के लिए उत्तरदायी है वही लोग उसे शिरडी वापस ले आए हैं। ये किन लोगों की बात हो रही है? हाँ, कुछ समझे? हरिओम। आशीराम को किसने मारा? डाकू ने। मतलब साई और डाकू मिले हुए हैं? यो अंता जी, ये हमने क्यों नहीं सोचा? सोचने के लिए अकल होनी चाहिए अंता जी। ए, चुप रहो मूर्खो। दादा, अब आगे क्या योजना है? अगर आपको कुछ हो जाता तो? उस बेहोशी की हालत में भी मुझे विश्वास था गोदा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ना तो तुम्हें छोड़ के जाने की इच्छा हो रही थी मेरी, और ना ही साईं मुझे जाने दे रहे थे। मुझे तो जैसे हर पल उनका ही सहारा था। अब थोड़ी देर सो जाइए। आंखें बंद करता हूं तो उस काली रात की एक एक बात याद आने लगती है।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पराए के हित के समान कोई धर्म नहीं होता, और पराए को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं होता। लेकिन विडंबना देखो, अधर्म करने वाले को अक्सर यह गलत फहमी होती है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। रावण भी अपनी नजर में अधर्मी नहीं था, और कंस को भी अपने अधर्म का ज्ञान नहीं था। जिस दिन अधर्म करने वाले को धर्म की सही परिभाषा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उसे अपने अधर्म का ज्ञान भी हो जाएगा। स्वागत है वन देवता, मेरे बिना आवाहन किए आप यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। आह्वान तो आपने किया है साईं, अपने विचारों को कर्म में बदल कर मैं आता कैसे नहीं। कोई भी मेरी संपदा का पोषण करे, संरक्षण करे, सदुपयोग करे तो मुझे प्रसन्नता होती है। आपने जिस उद्देश्य से मेरी सहायता मांगी थी, मैं देख सकता हूँ कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। आपका यहाँ आना इस बाग के लिए आशीर्वाद है। यहाँ इस बाग में जो कोई भी आएगा, इसका सम्मान करेगा, उस पर आपकी और मेरी कृपा होगी। कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। खेत चल रहे हैं। धरती से धार फूटेगी। पानी चाहिए। इस धरती से धार फूटेगी। वो देख पानी। नहीं है। अरे जीवा, इतने सालों से कुआं खोद रहा है पर एक बूंद भी पानी नहीं निकला। जब सबके खेत चलेंगे ना, तब किसी को नहीं दूंगा पानी। देने के लिए तेरे पास एक बूंद भी नहीं है इतने सालों में। यहीं से धार फूटेगी, बड़ा कुआं बनेगा यहाँ पे, यहीं से पानी निकलेगा। जीवा, मिल गया पानी। शाबाश जीवा, शाबाश। लगता है धार फूटने वाली है।
पागल है तू, हमें मारेगा? रुक तू, तू रुक अभी। ए, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अच्छा लगता है उसे परेशान करना? जाओ यहां से। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है कहां पूरे गांव में? वो भी बिल्कुल मुफ्त। चुप! अरे कुछ तो शर्म करो। वो अपने शौक के लिए कुआं खोद रहा है क्या? तुम लोगों को पता है कि कुलकर्णी सरकार ने हमारे खेतों में आग लगा दी थी। इसने सेठ गंगाराम की बावड़ी को अपवित्र करके नष्ट किया है। न्याय के अनुसार इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के। उसी सदमे ने मेरे बेटे की हालत कर दी है। जाओ यहां से। छोड़ो, ये नहीं सुधरेगा। ऐसे हवा में किससे बातें कर रहे हैं? मुझे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, सबको नहीं दिखते। आपकी यही बातें किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए सब आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उल्टा सीधा ही सही, मेरे बारे में बात करके लोग मुझे याद तो रखते हैं। साई, आप जानबूझकर मुझसे पहेलियों में बातें करते हैं ना? आप जानते हैं मैं आपसे बहुत गुस्सा थी, मैंने आपको बहुत पुकारा भी था। मुझे लगा कि आप शिरडी से चले गए हैं। अभी भी नाराज हो मुझसे? नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ बीज बो रहा था। बीज? हाँ, बीज। पेड़ों के, पौधों के, फूलों के, फलों के बीज। काटे तो नहीं होंगे ना उनमें? जरूरी बात ये है कि लोग फूलों के बीज काटे देखते हैं, क्या कांटों के बीज फूल? अरे झिपरी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है? आई वापस डांटेगी और बात भी नहीं करेगी। लबों से भले ही वो तुमसे बात ना करे, लेकिन उसका दिल, उसका मन हमेशा तुमसे बात करता है, लगातार। इसीलिए पूरे संसार में माँ जैसा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। चलो। कुलकर्णी सरकार, हमें बुला लिया होता? औपचारिकता के लिए मेरे पास समय नहीं है, कुछ जानकारी है मेरे पास। कैसी जानकारी सरकार? डाकुओं के संबंध में। वही डाकू जिन्होंने लोगों को मारा है, लूटा है, वो गिरोह आनंदवन में है। सरकार,
एक बार फिर आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मदद विफल हो सकती है यदि आपने अविलंब कार्यवाही नहीं की तो। ओम, सरकार आपने साई का नाम नहीं लिया। अंता, नाम से क्या होता है, काम होना चाहिए। हरिओम। साई, काशीराम काका को आपने ठीक किया है ना? लेकिन जंगल में चिड़िया या जानवर अगर उन्हें चोट लग गई तो उनका इलाज कौन करता है? पशु पक्षी बहुत समझदार होते हैं। छोटी मोटी चोट का इलाज तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह प्रकृति से दूर नहीं होते। कौन सी जड़ी बूटी उनके लिए मददगार होगी ये उन्हें पता होता है। लेकिन उन्हें कैसे पता? माँ, उनकी माँ सिखाती है उन्हें। सच कहा आपने, माँ के सिवा कोई रिश्ता नहीं है ना? भाईसा माँ, खेत में जा रहे हो ना आप अप्पा के लिए रोटी लेके? जानती हो लक्ष्मी, बायसा माँ के हाथ की बनाई रोटी में ऐसा स्वाद है जैसे खुद माँ अन्नपूर्णा ने बनाई हो। सदा मुस्कुराना, भला काम करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बाय जमा। उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। जीवा, जीवा, जीवा बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी कुआं खोदने के लिए बेटा? बेटा बहुत दिनों से तूने कुछ नहीं खाया है बेटा। जीवा थोड़ा सा खाना खा ले। मेरे लिए खाना लाया हूँ बेटा, खा ले। जीवा। घाव पे मलम लगा ले, वरना घाव कैसे भरेंगे बेटा? जीवा, जीवा मेरी बात सुन बेटा, बेटा मेरी बात सुन। नहीं खाना, मेरे खाना नहीं लगाना मरहम। कुलकर्णी सरकार, मेरे खेत नहीं, मेरी फसल नहीं, आपने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली है मुझसे। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। देखिए तात्या कैसे मृदंग सीख रहा है।
भाई साहब साई से मिली। आया था वो मेरे सामने मुझसे मिलने, मुझसे बात करने, पर उस कसम की बेड़ियों ने मेरी ममता को जकड़ के रखा था। कौन माँ अपने बेटे से मुंह फेरती होगी? हाँ ऐसा क्या पाप कर दिया मैं जो मुझे ऐसी कसम को निभाना पड़ रहा है? एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसी कसम है ये? आई भी तो एक माँ ही है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं अपने आप को तो समझा लूं, लेकिन उस ममता को कैसे समझाऊं जो साई का नाम सुनते ही उमड़ आती है? बेटा है वो मेरा, भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन मुझसे अलग नहीं है वो। तात्या से पहले उसने मुझे माँ कहा था, और ऐसा क्या कर दिया है उसने? ऐसा क्या दोष है उसका जो मुझसे इतनी बड़ी सजा दे रहे? क्या बीत रही होगी उस पर, क्या सोच रहा होगा वो? भाई को कैसे समझाऊं? इतनी बड़ी कसम देकर जीते जी मार दिया है उन्होंने मुझे। दुख भी जिंदगी की उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितना कि सुख। जब तक इंसान सुख की इच्छा करता रहेगा, दुख से उसका सामना होता रहेगा। जिस दिन सुख की इच्छा छोड़ दी, उस दिन दुख भी कहीं गायब हो जाएगा, और तब वो होगा सच्चा सुख, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई इंतजार नहीं। अच्छे से हाथ चलाओ। चांदी के तेल से शरीर की मालिश, और सरकार का शरीर ऐसे धमक जाएगा कि क्या बोलूं मैं। चार शब्द से ज्यादा वैसे भी बोल क्या पाते हो आप अंता जी? अरे मूर्खों, व्यर्थ की बातों के लिए तुम लोगों के पास समय है? दादा, पुलिस डाकुओं को पकड़ लेगी, तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन तुम बड़े अभागी हो दादा, तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारे परिवार का कोई समर्थन नहीं है। अब अगर परिवार के लोग ही साई के पक्ष में हो तो फिर पहले हम मत बुझा चू। क्या है ना दादा, पहेलियों में बात करने से बात कम चुभती है। पर ठीक है, अगर तुम सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। हट रे। साई से इलाज कराने से पहले लोग सरकार के पास आए थे, पर सरकार तो गए नहीं, तो फिर दोषी कौन? और अगर काशी मर गया तो फिर जीत किसकी और कैसी? किसने कहा ये? वहिनी ने। वहिनी के मुंह से ये सब सुनकर पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। ऐसी कैसी पत्नी जो अपने पति की दुश्मन है, अपने पति का बुरा चाहती है? और हाँ, ना कहते हुए भी उसने ये कह दिया कि अब जाकर कुलकर्णी सरकार का अहंकार टूटेगा जब शिरडी का नया वैद बनेगा वो साई। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है क्या पूरे गांव में? वो भी बिल्कुल मुफ्त। जीवा, अरे पानी। जीवा, मिल गया पानी। आ, 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 आ,
उल्लू, मरहम का अस्तित्व घाव से ही है। अगर घाव है तो उसके लिए मरहम भी जरूर होगा। आओ, यहां बैठो। सरकार, गरम तेल। रुक्मिणी, इसमें जो सिक्का है वो निकालो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? इसमें जो सिक्का है वो निकालो। ये तो खोल रहा है, बहुत गर्म है। निकालो। बहुत प्रश्न करने की इच्छा होने लगी है ना? प्रश्न उठाने की, कौन दोषी है कौन नहीं इसका निर्णय सुनाने की। तुम भूल रही हो ये शिरडी है, यहाँ कौन अपराधी है कौन निरपराधी इसका निर्णय मैं करता हूँ। मैं ही हूँ जिसको अधिकार है दंड देने का और क्षमा करने का भी। रुक्मिणी सिक्का निकालो। सरकार, क्या समाचार है? दरोगा जी ने आपको तुरंत सूचित करने के लिए कहा, वो डाकू पकड़े गए। बेचारा साईं, अब उसे कौन बचाएगा? हरिओ। दर्द कुछ कम हुआ? अपनों के लिए आपका दर्द बहुत गहरा होता है। चलो चलो जीवा के पास चलो। माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसे कसम है ये?
क्या बात है अप्पा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कसम रिश्तों को कैसे उलझा देती है। एक कसम इंसान को दो रिश्तों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसा क्यों, किस लिए? रोज बायजा को देखता हूं घुट घुट कर जीते हुए, अपने बेटे साई से दूर रहते हुए वो बिल्कुल खुश नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हर माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, खुश देखना चाहती है उसे। हाँ, तरीका भले ही अलग हो लेकिन माँ का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आपकी माता जी भी ये बात जल्द ही समझ जाएंगी कि उनके इस फैसले से ना आप खुश हैं ना पाए साहब का। एक माँ का दर्द दूसरी माँ कैसे नहीं समझेगी। जीवा, घाव नहीं भरने देना चाहते हैं हम, ताकि बदले की आग जलती रहे। बहुत शक्तिशाली होती है बदले की भावना, यह हमें थकने नहीं देती। अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं हम उसके लिए। बदले से बड़ा कोई मकसद नहीं होता, है ना? लेकिन जब बदला पूरा हो जाए उसके बाद क्या? क्यों आए हो यहां पर? चली जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। किसी दिन इस कुएं से पानी निकल आया तो तुम क्या करोगे? उस कुलकर्णी को कुएं में डुबा के मार दूंगा। कुलकर्णी सरकार को इस कुएं में डुबो के मार देने से क्या तुम्हारे जले हुए खेत वापस आ जाएंगे? क्या वो लहलहाती हुई फसल वापस मिल जाएगी? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। आई नहीं ले जा सकती है तो क्या हुआ, पर मैं तो साई के लिए खाना ले जा सकता हूँ। बाईजा, रसोई में होगी लेकिन जवाब नहीं देगी। राम 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 राम। क्या रखूं? और आई क्या क्या लगाती थी थाली में? अचार। जी आई, आपने बुलाया? मैं मंदिर जाके आती हूँ। जी। तेरी आंखें क्यों लाल हैं? कुछ पूछा मैंने, बताओगी कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आती हूँ। अच्छा हुआ आजी ने मुझे देखा नहीं, वरना मुझे भी कसम खानी पड़ती। तो क्या है ये थाली? किसके लिए? जिसके लिए आपकी आंखें रो रो के लाल हो गई है।
तात्या तू ये कसम आपने खाई है, मैंने तो नहीं ना। मैं तो साई के लिए खाना ले जा सकता हूँ, है ना? मैं अभी आता हूँ। तात्या आई, मैं जल्दी से जाके आता हूँ वरना आज ही आ जाएगी। जीवा, कुआं खोदना नेक काम है। कुआं लोगों की प्यास बुझाता है, कुआं लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जिस वजह से तुम कुआं खोद रहे हो वो गलत है। नफरत से किया हुआ कोई काम शायद सफल हो भी जाए लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस नफरत, इस बदले की भावना का परित्याग कर दो और राम नाम को अपनी शक्ति बनाकर दोबारा खुदाई शुरू करो। नफरत जहां पहुंचाएगी तुम्हें वहां से लौटना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर राम का नाम लेकर आगे बढ़ोगे तो लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही एक रास्ता सही रास्ता है। वही सही रास्ता है तो इतने सालों में मुझे दिखा क्यों नहीं? रास्ता तो हमेशा ही तुम्हारे सामने था लेकिन तुमने चुना ही नहीं। किसी इंसान के अत्याचार को ईश्वर का अन्याय मान लिया और रास्ता खो बैठे। ईश्वर भी मजबूर हो जाता है जब उसके बंदे उसकी बात नहीं मानते। वो इंतजार करता है उनके लौट आने का। उसकी बाहें हमेशा खुली रहती हैं, जैसे माँ बाप का दिल अपने बच्चों को गले लगाने का इंतजार करता है। बाबा, अपने दिल से बदले की भावना मिटा के नफरत भुला के फिर से खुदाई शुरू करो जीवा। राम जी की जय। राम जी की जय। राम जी की जय। राम जी की जय। बाबा कर दिया।
आज तो तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन सबका मालिक एक, जब उसने हमें इस दुनिया में भेज दिया है तो कुछ ना कुछ इंतजाम भी कर ही देगा। साईं, साईं, ये आपके लिए। आप यहाँ कैसे सोते हैं? कष्ट नहीं होता आपको? धरती हमारी माँ है तात्या, जननी है हमारी, और माँ की गोद में सोने से बड़ा सुख कुछ हो सकता है क्या? वैसे ही सोता हूँ जैसे तुम सोते हो बायजा माँ की गोद में। कष्ट होता है क्या? नहीं। बायजा माँ नहीं आई? ठीक तो है वो? आई तो ठीक है, पर नहीं बता सकता, गुस्सा करेगी आई। खुशकिस्मत हो तुम, माँ अपना अधिकार समझती है इसीलिए गुस्सा करती है। वहां आई दुखी है, यहाँ साई दुखी है, क्या करूं बता दूं? वो मेरी आजी है ना, उनकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आजी आपसे बहुत गुस्सा है, पर आजी ने आई को कसम दी है वो आपसे कभी नहीं मिलेगी और बात भी नहीं करेगी, इसलिए आई आपसे बात नहीं कर रही है। भेड़ियों से मुक्त सिर्फ जन्म और मृत्यु है, बाकी पूरा जीवन बंदिशों में है। इनकी गिरह खोलें तो कैसे? बड़े ही महीन से रिश्ते बंधे होते हैं इनमें, इनकी गिरह खोलो तो ये रिश्ते भी खुल के बिखर जाने का डर होता है। लेकिन लेकिन जिस रिश्ते में डर हो, क्या वो रिश्ता है? साई, जल्दी से खाना खा लो, आज जी मंदिर से घर पहुंचे उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। चलो सरकार। हरिओम, आ गया फिर से सरकार। वर्षों का रोना फिर से रोएगा, मेरे खेत जला दिए, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। हरिओम, आज मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, जितना चाहो कूटना इसे। सरकार, 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 अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, नहीं तो मैं आपके घर आता। क्यों? सरकार, मेरे मेरे कुएं का पानी, मैं तपस्या सफल हो गई। पीकर देखिए कितना मीठा है। जल तेरे कुएं में कहां से आएगा? जल निसंदेह किसी और के कुएं से चुरा के लेके आया होगा तू। चल हट। अब बढ़ेगा इस पागल का पागलपन। यहां से निकाल। राम जी की जय। जीवाज पागलों जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहा है? सरकार,
तो भैया मेरे कुएं का पानी, तनु भैया मेरे कुएं का पानी बहुत मीठा है। मौसी मौसी मेरे मेरे कुएं का पानी। इस पागल को बाद में देख लूंगा, अभी चावड़ी जाकर थानेदार के सामने डकैतों से साई का सच उगलवाना है। उसके बाद अंग्रेज सरकार खुद ही साई को गिरफ्तार करके शिरडी से बाहर निकाल देगी। सरकार ये जीवा तो कुछ अजीब। छोड़ो उसे, चावड़ी चलो। हरिओम, चलो जल्दी चलो चलो चलो, ए, चलो, हट, से, चलो हट, 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 से, हट। ये देखो माँ, अब तो मुस्कुराओ ना। आगे से जब भी थाली भेजनी हो तो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगा। तू ये कर रही है मेरे पीठ पीछे, वो भी तात्या की आड़ में। आने दे आजप्पा को, वो तुझे बायजामा। साईं लो आ गया ढोंगी। काशी राम पर किसने हमला किया, सीधे सीधे बताओ। सीधे से उत्तर देते तो डाकू और सभ्य लोगों में क्या अंतर रह जाएगा थानेदार जी। आइए कुलकर्णी सरकार। हरिओम। ये जो भी कुछ कहेंगे न जाने उसमें कितना सत्य होगा। ऐसा क्यों सरकार? उत्तर क्या मिलेगा यह निर्भर करता है प्रश्न पे, और आपका प्रश्न उचित नहीं है। यदि इनसे सत्य उगलवाना है तो प्रश्न मैं करूंगा। ठीक है। पूरी थाली खा के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, क्यों भिक्षा मांगने आ गए हो? एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बायजामा के दर्शन करने आया हूँ। माँ नहीं है वो तुम्हारी, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ है वो, तभी तो अपने बेटे से ना मिल पाने के दुख में, उससे बात ना कर पाने के दुख में अपनी आंखें नम करती है। यहां से मुझे भिक्षा नहीं, सिर्फ अपनी मां की ममता चाहिए। बस इसीलिए मैं यहां आता हूं, मेरी मां को मुझसे मत छीनो। मां मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौकट पर कदम मत रखना। ऐसे क्या देख रहे हो? आरोप तुम पर नहीं, आरोप उस पर है जिसने तुमसे ये सब करवाया है। लेकिन काशीराम पर हमला, मतलब काशीराम की मौत तो हमारे वजह से हुई है। अरे मरा कहाँ वो धीट, जिंदा है, जीता जागता। क्या इतना बेरहमी से मारने के बाद भी वो बच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं काशीराम को भी उन्होंने बचाया? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, काशीराम को उसने ही बचाया है। तो बताओ कैसे जानते हो तुम उसे? ये समझ लीजिए कि हम उनकी वजह से ही यहाँ हैं। अरे वो है ही ऐसे, है ना? अरे
थोड़े ऊंचे स्वर में कहो ताकि सबको सुनाई दे। हाँ, हम उनकी वजह से यहां हैं। तो तुम जिन कारणों से यहां पर हो उसमें उसी का ही हाथ है। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसके ही कारण हो रहा है कि नहीं? तब तो तुम अपना असली मुखिया उसी को मानते होंगे। मुखिया नहीं, गुरु है वो हमारे। उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया है। ये समझ लीजिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं हम। उनके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। हरिओम। सुन रहे ना थानेदार जी, अपना मुखिया अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अब बता भी दो अपने गुरु का नाम। हमारे गुरु का नाम है साईं। मेरे यहां तक की योजना तो सफल हुई, मुझे इनके मुंह से साईं का नाम उगलवाना था। बड़ा शिरडी का वैद्य बनने चला था, लेकिन जो संकट उसके जीवन में आने वाला है उसका उपचार कौन करेगा? हरिओम। मां मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौकट पर कदम मत रखना। आई, अब चुप कर। तू मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आई समझ में। अगर मेरे यहां आने से आप लोगों को दुख होता है, मेरी बायजा मां को दुख होता है, तो मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। ये बात पहले ही समझ लेते तो दुखों का पहाड़ हम पे ना टूटता। अब जाओ यहां से, जाओ। अगर कुलकर्णी सरकार के किसी आदमी ने तुम्हें हमसे बात करते देख लिया ना तो कोई नई मुसीबत खड़ी करोगे क्या? जाओ अभी यहां से, जाओ। क्या कर रही है? समझा इसे। अरे इसे कसम निभाना कहते हैं? छुप छुप कर अपने बेटे से खाना भिजवा रही उस फकीर को। अरे मुझसे तो छुपाया ही छुपाया, तुझे भी नहीं बताया। समझा इसे। एक माँ का दर्द दूसरी माँ कैसे नहीं समझेगी? अरे कुछ नहीं बोलेगा इसे, समझाएगा नहीं। अप्पा कुछ तो बोल। अरे समझा उसे, बोल तो सही। अप्पा, अप्पा ऐसे कैसे कर सकता तू? बोल ना अप्पा। अप्पा मेरी बात का जवाब दे। अप्पा मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अप्पा, अप्पा मेरी बात सुन। दरवाजा खोल अप्पा, अप्पा जब एक बेटा ही अपनी माँ की बात का सम्मान ना कर रहा हो
तो बहू क्या खाक करेगी? मिष्ठान है बाबा के लिए थोड़ा सा, बाबा की बड़ी कृपा रही है हमारे परिवार में। आएंगे बाबा, आगे बाबा आगे। आपका धन्यवाद करना भी चाहे तो कैसे करें, हमारे जीवन के सारे बंद रास्ते आपकी कृपा से खुल गए, असंभव संभव हो गया है। ये थोड़ा सा मिष्ठान आपके लिए। ये सब लोगों में बांट दो। साईं, अब मेरे बेटे जीवा को कोई पागल नहीं कह रहा है। अरे जीवा, जीवा, कुएं से पानी निकालना तो बस शुरुआत है, तुम्हें अभी शिरडी और यहां के लोगों के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। क्या करना है वो मैं समय आने पर बताऊंगा। अब तो जीवा का जीवन सिर्फ आपकी सेवा करना है प्रभु। मेरी खुशकिस्मती होगी आपके कहे पर चलना। अब सवाल मुंह में ही रखोगे या पूछोगे भी? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ कुछ सालों पहले हुआ, फिर आपको आपको कैसे पता? हमारे बारे में आप कैसे जानते हैं ये सब? सब मेरे गुरु की कृपा है। मैं जिनकी अनुमति से यहाँ आया हूं उन्हीं के हुक्म से यहां से वापस जाऊंगा। कौन है वो? मेरे गुरु। कहीं ये वही बालयोगी तो नहीं जो सालों पहले शिरडी में आए थे? अप्पा, क्या हो गया तुझे? बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ मुंह घुमा रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है तू? माँ हूँ तेरी मैं, कैसे मुंह फेर सकता है तू? हाँ अप्पा रुक, तू नाराज है मुझसे कि मैं बाईसा की शिकायत कर रही हूं? तुझे नहीं डांटना ना उसे, मत डांट, लेकिन मुझसे बात कर अप्पा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी देर तक तूने मुझसे बात नहीं की हो। एक माँ अपने बेटे से बात किए बिना कैसे जिएगी? कुछ पल आपने अपने बेटे से बात नहीं की तो आपकी ममता तड़प उठी। तो वो माँ जिसे इतने दिनों से कसम ने बांधा हुआ है अपने बेटे से ना मिलने के लिए, सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। बार बार उसे अपने ही बेटे के सामने आकर मुंह फेरना पड़ता है, उसे देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है। सोचिए उसकी ममता कितनी तड़पती होगी। ओ, तो जीवन में पहली बार तूने मुझसे बात नहीं की। वजह यह कि मैंने तेरी पत्नी को उस ढोंगी से मिलने के लिए कसम दी थी। उस पाखंडी के लिए और कितनी सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे बोल। आई साई ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है। वो ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है, तो कौन है वो बोल ना अप्पा, जिसके लिए तुम और तेरी पत्नी अंधे हो चुके हो? कौन है वो साई? जान गए कौन है ये साई। मतलब ये सारी डकैतियां तुमने साई के कहने पर की है।
आपसे समझने में कोई भूल हुई है। हमारा मतलब साईं हमारे गुरु हैं, लेकिन वो गुरु जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। तू डाकू होकर कुलकर्णी सरकार को झूठा कह रहा है, वो भी थानेदार साहब के सामने। मतलब डाकू अब शरीफों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और हम चुपचाप देखते रह जाएंगे? मारने से क्या होगा थानेदार जी? दंड देना ही है तो इनके गुरु को दीजिए। ठीक है, तो चलिए उनके पास। हरिओ चलो अच्छा हुआ गुरुजी स्वयं चले आए। या तुम्हारे शिष्य तुम्हारा सत्य उजागर कर चुके हैं, तुम कौन हो इस पर अब कोई संदेह नहीं है किसी के मन में? मेरा सत्य जान गए हैं तो मुझसे भी मेरा परिचय करा दीजिए। डकैत है तू, डाकुओं का सरदार, यही सच है तेरा? साईं और डकैत? नहीं नहीं थानेदार जी, आपसे कोई भूल हुई है। एक फकीर को डकैत कैसे कह सकते हैं आप? हरिओम, थानेदार जी जो भी कुछ कह रहे हैं पूरी जांच पड़ताल के पश्चात कह रहे हैं। मैं जानता हूं सरकार साई कौन है। आप साई के बारे में सुनना चाहती है ना, तो जो मैं कहूंगा आप उस पर विश्वास करें या ना करें, पर ये वो सच है जिसे मैंने अपने आंखों से देखा है, जिसे मैंने अपने अंतर्मन से उसको एहसास किया है। साई वही बाल योगी है जो सालों पहले शिरडी आए थे, याद है आपको? ये वही बाल योगी है जिसे उस समय आपने पाखंडी कहा था। ये क्या कहानी है सरकार? एक बहुत ही अद्भुत बात है ये, जो शिरडी का हर व्यक्ति जानता है। हरिओम, कहानियां सुनने सुनाने का समय नहीं है, पहले वो सत्य सुन ले जो डाकुओं ने चावड़ी में थानेदार जी के सामने कहा है। आई, अगर मैं और बायजा साई को इतना मानते हैं तो इसकी वजह है बायजा ने कई वर्षों पहले उस बाल योगी को अपना बेटा माना था, और साई वही बाल योगी है, और साई कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ हाँ, सुन लिया सुन लिया, और नहीं सुनना चाहती। मैंने बायजा से कसम ली थी इसलिए नहीं कि मेरा अपना बेटा ही मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। मां हूं तेरी, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी और की वजह से तेरा अपमान हो, तुझे दुख पहुंचे। तुम बड़े हो चुके हो ना, अपने फैसले खुद ले सकते हो, तो मैं क्यों बीच में बाधा बनूं? तुम दोनों को आज मैं
इस फंदे से मुक्त करती हूँ, वापिस लेती हूँ अपनी कसम। लेकिन ये जान लो कि वो पाखंडी आज भी मेरी नजरों में पाखंडी ही है। आज नहीं तो कल वो पाखंडी तुम्हें किसी न किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा, देख लेना तुम। राणा, सरजा, दगड़ू, अरे ओम, कोई है यहां पर जो डाकुओं के नाम जानता है? डाकुओं के नाम वही जान सकता है जो डाकुओं को करीब से जानता हो। देखिए कितने अपने पन से पुकार रहा है डाकुओं को, किसने इस पर ध्यान दिया? डाकू सही कह रहे हैं थानेदार जी, ये अवश्य इनका गुरु है। हाँ, हमारे गुरु। आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हे साईं, जैसे आपने कहा हम वैसे ही कर रहे हैं। ये लोग हमें हमें बचा लीजिए साईं, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हरिओम, देख रहे हैं ना थानेदार साहब, आत्मविश्वास तो देखिए इन लोगों का। न्याय व्यवस्था को खिलवाड़ समझ रहे हैं ये महाशय। डाकुओं के गुरु डाकुओं को पुलिस से बचाएंगे। बचाएगा तो तब जब खुद बच पाएगा। हाथ बांधो गुरुजी के भी और ले चलो। क्यों पकड़ रहे हैं आप इन्हें? क्या किया है? चुप रहे, इस तो डाकू ऊपर से न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हो। पर सरकार, साई ने किया क्या है? अभी डाकुओं ने इन्हें अपना गुरु कहा। गुरु कहा, सरदार नहीं। दोनों में अंतर है थानेदार जी। अब क्या सोच रही हो आई? अब तो आजी ने कसम भी वापस ले ली है। अब आप साई से बात भी कर सकती है और साई हमारे घर पे भी आ सकते हैं, है ना? आई को समय लगेगा, पर साई की सच्चाई, साई की अच्छाई वो एक दिन स्वीकार कर ही लेगी। सिर्फ आई क्यों, एक दिन साई के सारे विरोधी साई की महानता से परिचित होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? गुरु सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा में चलने का साहस देते हैं। ऐसे गुरु साई है हमारे लिए। इन्होंने हमारे शस्त्र त्याग कर सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है, हिम्मत दी है अपराध की दुनिया छोड़कर धर्म की राह को अपनाए। काश साई हमें पहले मिले होते, कितने गुनाहों से बच गए होते, कितने निर्दोष लोगों को हमारी वजह से कष्ट नहीं उठाना पड़ा होता। साई ने कहा डकैती छोड़ दो, उसके बाद हथियार उठाने के विचार ही नहीं आए हमारे मन में। और ऐसे इंसान को प्रणाम करना चाहिए और आप लोगों ने अपराधी कहकर बंदी बना रहे हैं। सुन लिया थानेदार जी, अंदर कुछ और बात कर रहे थे, बाहर कुछ और। अंदर तो कह रहे थे साई ने कहा इनसे डकैतियां करने के लिए। हमने कब कहा कि साई ने हमें कहा डकैतियां करने के लिए?
कुलकर्णी सरकार, तो तुम लोगों का कहना है कि साईं डकैत नहीं है? हाँ। थानेदार जी, एक बाल योगी बड़ा होकर डांगों का सरदार बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ये वही बाल योगी है तो इतने दिनों से ये बात इसने छुपाई क्यों? सबकी गवाही के अनुसार साईं निर्दोष है। पर ये बाल योगी वाली बात साईं ने बताई या नहीं, उसे साईं के दोषी होने से क्या संबंध है? संबंध है। आप देख नहीं रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि संबंध नहीं है। बाल योगी, बाल योगी, बाल योगी, शिरडी की जनता जानती है इसने कई वर्षों पहले अपने काले जादू से सबको प्रभावित करने का प्रयास किया था। फिर कई सालों बाद लौटा, मुझसे प्रतिशोध लेने लौट आया, मुझे जलाकर भस्म करने की इच्छा से इसने अपने काले जादू से अभिमंत्रित पुष्प दिया मुझे। वो तो मेरे अच्छे कर्म में बच गया। इसकी सारी चालें विफल होने लगी तो इसने डाकुओं की सहायता लेकर शिरडी में संकट उत्पन्न किया। शिरडी पर वर्चस्व प्रस्थापित करने की इसकी मंशा थी। ऐसा तो नहीं था कि ये कोई षड्यंत्र रच रहा था अंग्रेज सरकार के विरुद्ध? ये काला जादू, षड्यंत्र, ये सब क्या है? सब असत्य है। साईं ना तो तांत्रिक है और ना ही काला जादू करने वाले और ना ही कोई षड्यंत्रकारी, क्योंकि इसका साक्षी मैं स्वयं हूं। नफरत भुला के फिर से खुदाई शुरू करो जीवा। रंग की जय। इतने सालों से जिस कुएं की मैं खुदाई कर रहा था उस पे पानी लाना किसी के बस की बात नहीं है। असंभव को संभव तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? थानेदार जी, लोगों की भावनाओं में बहने लगे तो सही निर्णय कैसे लेंगे? लोगों की बातों पर नहीं, अपने विवेक पर विश्वास करो। कुलकर्णी जी, मुझे भी अंग्रेज सरकार को जवाब देना होगा कि अगर हमने कार्यवाही की तो किस आधार पर? ये जंगल राज नहीं है, कानून नियम के तहत चलता है और हमें भी उसके अधीन रहकर ही काम करना होता है। सबूत चाहिए होता है और वैसे भी अंग्रेज सरकार ये जादू टोना पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँगा कि ये तांत्रिक है तो सबसे पहले वो हंसेंगे मुझ पर और उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और आप भी तो हमें कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि साईं अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। मुझे बता सकता है शिवा जहाँ खुदाई कर रहा था वहाँ नीचे क्या है? पत्थर ही पत्थर है सरकार, और वो भी बहुत बड़े बड़े। बड़े पत्थर? ऐसे पत्थर मनुष्य वर्षों के परिश्रम के पश्चात भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। यदि कोई बारूद का प्रयोग करे तो एक झटके में टूट सकते हैं वो बड़े बड़े पत्थर। जल की धारा भी निकल सकती है। संभव है साईं ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए बारूद का प्रयोग किया हो, और यदि किया है तो ऐसा व्यक्ति अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की क्षमता रखता है। थानेदार जी,
साई ने कोई बारूद का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने जो किया मेरी आंखों के सामने किया, चमत्कार ही था वो। सबूत सरकार। सबूत तो अब खंडर में मिलेगा थानेदार जी। अरे करनी सरकार, सब जगह तो खुदाई करवा ली पर कुछ नहीं मिला। बड़ा चमत्कारी है ये, इतने सरलता से नहीं मिलने वाला सबूत। लगता है इसने खंडर के पीछे छुपा कर रखा होगा। रुक जाओ, खंडर के पीछे खुदाई करके देखते हैं। चलो। ये ध्वनि कैसी? पता करो क्या है। भला यहां पे कोई क्यों गाड़ेगा थानेदार जी? इसमें ऐसा क्या है जो छिपाना चाहता है कोई? सबूत सबूत मांग रहे थे ना थानेदार जी, ये है सबूत। इसमें बंद है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का रहस्य। इस चमत्कार को देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब बाल योगी ने इसी तरह अपने गुरु के गुप्त समाधि के दर्शन कराए थे। खुदाई में इतना ढूंढा और वक्त बर्बाद किया, खुदाई में ढूंढते तो शायद कुछ मिल भी जाता। शब्दों के हेर फेर से प्रभावित होने वाला नहीं हूं मैं। शब्दों का नहीं, मन के मनके का फेर है। कुलकर्णी सरकार, साईं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हरिओम। इनको ले चलो। आत्मसमर्पण करने के बाद, हिंसा त्याग देने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है साईं?
कर्म और उसके फल से कौन मुक्त है राणा? देवताओं को भी अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है, यही प्रायश्चित का मार्ग है। तुमने जिन लोगों को लूटा, जिन्हें दुख पहुंचाया, उनके आंसू शायद सूख गए होंगे, लेकिन उन आंसुओं की लकीरें अभी बाकी हैं। अगर तुमने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया और उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी सजा को भुगता, तो इस दुनिया का इंसाफ और ईश्वर दोनों पर भरोसा बना रहेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर, और धर्म की राह पर चलने के लिए पहला इम्तिहान है तुम्हारा। अल्लाह मालिक। नहीं सरकार, नहीं 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 सरकार, मेरी बात तो सुनिए सरकार, मेरे प्राण निकल जाएंगे सरकार, सरकार नहीं। तुम मरेगा नहीं, लेकिन तेरी हड्डियां जरूर टूट जाएंगी और मैं तेरा उपचार भी नहीं करूंगा। दादा रुको, उसके बात तो सुन लो। क्या सुनो? इसके कारण सबके सामने मेरा शीश झुक गया, एक दायित्व सौंपा था उसे भी पूरा कर न सका ये गधा, जा मर। नहीं सरकार, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था सरकार। हाँ, पागलों की तरह भागता हुआ आया था ये, मैंने खुद देखा था इसे। अरे बता ना दादा को। मैं भागता हुआ आया, संदूक खोल के बारूद निकाला, खंडर की तरफ निकला, तभी मेरा पैर फिसला सरकार, और उठते ही मुझे लड्डू दिखे। वो लड्डू देखकर मैं रुक गया सरकार। सुना दादा, कुछ समझ में आया? मतलब वो लड्डू लड्डू नहीं, किसी को बचाने की साजिश थी। बड़ी सफाई से लड्डू खिलाकर साई को बचाया गया है, और तुम होके इस बेचारे की जान लेना चाहते हो। मतलब करनी किसी की और भरनी किसी और की, ये तो न्याय नहीं हुआ दादा। मेरी बात सुनिए, मैंने से कुछ भी नहीं किया। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। दादा हरिओ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं सच, तूने ही उस ढोंगी की मदद की है ना? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आज एक बार पुनः पराजित हो गया मैं समस्त गांव के सामने। ये क्रोध की अग्नि बुझ नहीं पाएगी, और अंदर ही अंदर मुझे भस्म करती जा रही है। राम कृष्ण हरी।
राम कृष्ण हरी, 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 राम कृष्ण हरी। जय खंडोबा। यमुना। हाँ पापा। अंदर के लिए देरी हो रही है, कहाँ हो? बाबा। हाँ? आइए। क्या हुआ? बैठिए। क्या हुआ? अरे बैठिए तो। अरे पर हुआ क्या? शादी करके एक दिन चले जाना है तुझे, फिर कौन पहनाएगा मुझे ये हर दिन? यमुना, रसोई में जो काम बाकी है पूरा कर ले बेटा, जा। हो आई। जा। शादी करके चले जाना है, कोई रिश्ता तय होगा तब ना। क्यों, तुम्हारी मौसी के जान पहचान में है ना कोई, तुमने कहा था ऐसा? यमुना की शादी की उम्र बीतती जा रही, इसीलिए ये रिश्ता तो हाथ से चला गया, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन करेगा हमारी यमुना से शादी? एक बेटे की शादी तो कर नहीं पा रहे हम, बाकी दो का क्या होगा? ब्याह के खर्चे के लिए आपको भी कुलकर्णी सरकार के पास उधार मांगने वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे गांव के बाकी सब लोग जाते हैं। साईं कृपा से सब अच्छा ही होगा, विश्वास रखो। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही, अगर आप ऐसे ही साईं साईं नाम का जप करते रहेंगे ना तो कुलकर्णी सरकार ठेंगा देंगे आपको। कैसी बातें कर रही हो तुम? आपके मन में साई के लिए जितना भी प्रेम है ना, उसे अपने मन में ही रहने दीजिए। दुनिया वालों के सामने साई से दूरी बनाए रखना ही उचित है, उनसे मिलना मिलाना बंद कर दीजिए आप। उनका क्या है, आज यहां तो कल कहीं और, ना आगे कोई ना पीछे। आप तीन तीन बेटियों के पिता है, समझदारी से काम लीजिए, पर न जिंदगी भर तीनों बेटियों का बोझ नहीं उठा पाएंगे आप। साईं, साईं, आजी ने कसम वापस ले ली है। आई
साई आपसे बात कर सकती है, मिल सकती है और आपको खुद खाना भी दे सकती है। तुम्हारे सामने आकर भी तुमसे मुंह फेरना, बात ना करना, इस जीवन में इससे बड़ी सजा नहीं काटी है मैंने। बहुत दुख पहुंचाया ना मैंने तुम्हें। तुम झूठ बोल रही हो बायजाम। मेरे साथ ना होते हुए भी हर पल तो तुम मेरे साथ थी। तुमने भले ही मुझसे बात ना की हो, लेकिन तुम्हारा मन तो लगातार मेरे बारे में सोचता रहा। तुमने भले ही मुझे मुड़कर ना देखा हो, लेकिन दिन रात मेरी ही तो फिक्र करती रही तुम। तो अब तुम ही बताओ भैसा माँ, तुम मुझसे अलग कहाँ थी? क्या एक भी ऐसा पल याद है तुम्हें? मुझसे बात ना कर पाने में तुम्हें जो घुटन हुई, उसका एहसास है मुझे। मुझसे मुंह मोड़ लेने पर तुम्हें जो तकलीफ हुई, उसे मैं महसूस कर सकता हूं। तुम चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकती भाईजामा। हे पांडुरंगा, ये आई भी ना, तुमसे नहीं मिलती है तो रोती है, अब मिल गई तो भी रो रही है। क्या हाल बना दिया है थानेदार ने तुम्हारे घर का? सच क्यों नहीं देख पाते हैं ये लोग? सब इंसान हैं बायजामा, सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं। सच को देखना और उसे पहचानने में फर्क होता है। पहचान कर उसे मान लेना, वो सबसे मुश्किल। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि इन सब बातों में वो अपना कीमती समय खो रहे हैं। चलो छोड़ो, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। हाँ, आईने वो सारे पकवान बनाए जो आपको पसंद है। मुझे मोटा करने का इरादा है बाजामा का। हाँ, यही समझ लो, अब बैठो चलो। परेशान होने से कोई लाभ नहीं, रिश्ता हो जाएगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लड़का आपके बगल में है। अरे कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, अगर आप यहाँ ना आते तो मैं आपके वहां आने ही वाला था आपसे मिलने। हमारे एक परिचित है, यमुना के रिश्ते की बात की है मैंने उनसे। सच? कौन है, कैसा परिवार है? परिवार तो बहुत अच्छा है, और अगर अच्छा ना होता तो मैं उनसे रिश्ते की बात ही क्यों करता। तालुका के नामी व्यापारी हैं। तालुका के नामी व्यापारी हैं वो लोग? दहेज तो काश दहेज जैसी बुरी प्रथा को खत्म करना मेरे हाथ में होता, पर ये प्रथा तो युगों से चलती आ रही है, रोग की तरह फैलते जा रही है। जब तक समाज नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैं आज ही बुलावा भेजता हूं उन्हें। खंडोबा ने तीन तीन बेटियां थी, इतना धन भी दे देता कि तीनों का विवाह अच्छे से कर सकता। खंडोबा जी ने आपको तीन कन्याएं दी है, और कन्या तो सबसे बड़ा धन होता है, और कन्यादान सबके नसीब में नहीं होता। इसे खंडोबा जी का आशीर्वाद समझिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
रात भर रस्सी से बांध कर रखने के बाद अब अकल ठिकाने आ गई होगी वहीनी की। खुद को बहुत होशियार समझती है ना, अब समझ में आएगा। वहीनी तुम वहां थी ना? किसने छोड़ा तुम्हें? ये रस्सी किसने खोली तुम्हारी? मेरे स्वामी ने। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ स्वामी ने, मतलब दादा ने इस चुड़ैल को क्यों छोड़ा? दादा कब से चोरू का गुलाम बन गया? अगर ऐसा हुआ है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। अगर ये दोनों मिल गए ना तो मुझे वापस मेरे उस सड़े हुए ससुराल में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज तुम मेरे घर नहीं, मैं तुम्हारे घर आई हूं। एक माँ आई है अपने बेटे के घर, उसे अपने हाथों से खाना खिलाने। ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं बाजा मां। दिखाओ साई। साई, उसे गोद से उतारो और जमीन पर सीधा लिटा दो। नहीं 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 करो। हाँ बेटा, बेटा अगर इलाज नहीं करवाओगे तो ठीक कैसे होगे? कितनी रातों से सोए नहीं हो मेरे बच्चे। हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान, पूरे शिरणी में ढूंढा तो लोगों ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे, इसलिए बच्चे को यहाँ ले आया। सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है तुम्हारे सिर में दर्द? बताओ तो सही।
तुम्हारे सिर में कब से दर्द हो रहा है? सिर में नहीं, कान में दर्द हो रहा है। कौन से कान में? ये वाले। अगर मैं तुमसे कहता कि अपना कान आगे करो, तकलीफ के डर से तुम मेरी बात नहीं मानते। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो अपना दोस्त समझ के मुझे माफ कर देना। जैसे जैसे तुम्हारा दर्द कम होगा, मुझसे तुम्हारी नाराजगी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। बाबू, सच में दर्द बहुत कम हो रहा है। सच ही कहा था सबने, आप इंसान नहीं फरिश्ता है। फरिश्ता तो हर इंसान होता है किसी ना किसी के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को लाए इतनी दूर मुझे ढूंढते ढूंढते। ये लीजिए, इसका लेप बनाकर कान पर सुबह शाम लगाते रहिए, कान पूरी तरह ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें। साईं, आपको मैं ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकता, ये छोटा सा नजराना है। नहीं उस्मान भाई, जब धरती मुझसे इन जड़ी बूटियों के बदले कुछ नहीं मांगती तो फिर भला मैं कौन होता हूँ आपसे कुछ मांगने वाला। अच्छे कर्म करो उस्मान भाई, सबकी मदद करो बिना किसी चीज की उम्मीद रखे, निस्वार्थ भाव से। कर्म योग की ये कड़ी अगर ऐसे ही एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती गई तो यह दुनिया और भी बेहतरीन हो जाएगी। खुद भी नहीं जानती कल रात क्या हुआ, कैसे मेरी रस्सी खुल गई और मैं उस कमरे से बाहर आ गई। ये तो कोई चमत्कार ही था, और ऐसे चमत्कार तो आप ही करते हैं। आप ही तो हैं इस पूरे जगत के पालनहार, है ना स्वामी? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो, मत ले जाओ सामान। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं, देखो हमारा सामान लेके जा रहे हैं। चलिए ना, कुछ बोलिए ना, क्यों चुप है आप? कुलकर्णी सरकार से कर्ज लिया था, चुका तो दिया ना इतने सालों से, फिर ये सब क्यों? जो चुकाया था वो ब्याज था, असल नहीं भरोगे तो उसका नुकसान क्या सरकार उठाएंगे? ए, चलो जल्दी जल्दी। असल तो हमने भर दिया ना, हिसाब तो समझा दो। हिसाब समझा पंता जी, वो कुछ पूछ रही हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। ए फकीर, बीच में मत बोल, सरकार के काम में कोई दखल दे ये ना कुलकर्णी सरकार को अच्छा लगता है और ना ही मुझे। पंता जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। ये क्या जवाब देंगे, ये लोग तो हमें ठग रहे हैं। बेटी के ब्याह के लिए कर्ज लिया था, वर्षों से चुका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्याज था। लाज लिया सारा सामान, चलो चलो सरकार राह देख रहे होंगे। चलो चलो चलो, इनका हिसाब तो दे दीजिए। हिसाब? ये तो है हिसाब बैलगाड़ी पे। चलो चलो अंता जी।
क्या हुआ, क्यों रुके हो? भारी है सामान, बेल्ट खींच नहीं पा रहे। अंता जी मदद करो। हाँ हाँ, आप भी चलिए। चलो बंता जी, थोड़ा सामान लौटा दे क्या? हाँ, इतना सामान देकर सरकार की तो बादशाह खिल जाएंगी। खींचो खींचो बंता जी। हाँ, वो रस्सी ले लो। हाँ क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, चलो निकलो। सरकार सरकार, ये क्या लाए तुम दोनों? ये लाने भेजा था तुम्हें? इस मायावी ने बैलगाड़ी पता नहीं कब, और तुम दोनों सोते रह गए। नहीं, जगे हुए थे दोनों और पूरी मेहनत से खींचते रहे। गलती बस इतनी की कि एक बार भी पलटकर ये नहीं देखा कि जिसे खींच रहे हैं वो सही है या गलत। तुम्हारा ये तंत्र मंत्र वाला कार्य है ना, उसे गांव के अनपढ़ गवार लोग चमत्कार मान के चकित होते होंगे, कुलकर्णी सरकार नहीं। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, घृणा घृणा करता हूं मैं तुझ जैसे पाखंडियों से। समझ ही नहीं आते तुझ जैसे लोग। घृणा और समझ में बड़ा ही अजीब रिश्ता है। जब तक घृणा रहती है समझ काम नहीं करती, और घृणा के दूर होने के लिए समझ का आना भी बहुत जरूरी है। क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? कुछ भी नहीं। तो बार बार मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों? समझता क्यों नहीं मैं तुझ जैसा बैरागी नहीं हूं? वैद होने के साथ साथ मैं साहूकार हूं शिरडी का, सुद पर ऋण देता हूं लोगों को। ब्याज और असल वसूल करना मेरा अधिकार है, और ये सब तेरे समझ से परे है। मेरी समझ से परे है
ये बात ठीक है, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन जिसने ऋण लिया है उसे तो इस प्रश्न को पूछने का अधिकार होना चाहिए कि उसका हिसाब क्या है। प्रश्न कुलकर्णी सरकार से प्रश्न करेंगे ये लोग, प्रजा राजा से प्रश्न करेगी, मेरी कृपा पर मेरी दया पर पलने वाले ये लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, मुझसे ऋण ले लेकर अपना घर चलाने वाले ये अनपढ़ लोग। यदि प्रजा अनपढ़ हो तो ये दोष प्रजा का है या राजा का? यदि प्रजा ऋण ले लेकर अपना जीवन चला रही हो तो ऋणी कौन हुआ, प्रजा या राजा? लो अब तू सिखाएगा मुझे मेरा दायित्व? मैं बताता हूं मेरा दायित्व क्या है। मेरा दायित्व है शिरडी को तुझसे मुक्ति दिलाना। बात उड़ रहा है ना, समय आने दे, मैं स्वयं छोड़ने आऊंगा तुम्हें शिरडी से बाहर। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। दरारें आ रही हैं, जितना जल्दी भर लेंगे घर उतना ही मजबूत रहेगा। आप कहें तो मैं मदद कर दूं। सुन, शिरडी मेरा घर है, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं कर सकता हूं। हरिओम। शिरडी हम सबका घर है और इसे मजबूत करने के लिए सबको साथ आने की जरूरत है। प्रजा को, आपको, मुझे, हम सबको। बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिलाएगा? मेरी चौकट पे आया है तू, पानी तो तुझे पिलाना पड़ेगा। कोई जल पिलाओ इसे। दादा, देखा कैसे दौड़ के गई है उस पाखंडी को पानी पिलाने के लिए, जैसे वो आपका दुश्मन नहीं कोई लंगोट या मित्र हो। कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो कल रात जो चमत्कार हुआ वो साईं ने मेरी तकलीफ दूर की।
हाँ, और ये घाव आपके हाथों पर? रस्सियां किसी के भी हाथों में हो, घाव मुझे ही मिलते हैं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आ गया वो। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। अभी से तैयारियां शुरू करूंगा, तब जाकर पैसों का प्रबंध हो पाएगा। थोड़ा समय लगेगा। आप इतने चिंतित क्यों हैं? सब ठीक हो जाएगा। और आपकी बेटी यमुना कितनी सुशील और गुणवान है, देखेगा। उसकी शादी किसी अच्छे और बड़े परिवार में ही होगी। सही कह रहे हैं ये। यमुना के लिए लड़का ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए बायजा कितना खुश है अपने बेटे साई से मिलकर। माँ ने कसम जो वापस ली है। हाँ बाबा, आज तो आई ने अपने सामने बिठाकर साई को खाना खिलाया है। अरे अच्छा, मैं चलता हूँ। रुकिए माल सपति जी, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है, साई के बारे में। साई के बारे? हाँ काका, बहुत सारे निशान देखे आज साई के हाथों में, नीले काले निशान। क्या हुआ? साई बताता कहाँ है, देखकर तो ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने काटा है। अब सोता भी तो खंडर में जमीन पे है, फिर ऐसा ही होगा ना। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर हम साई के सोने के लिए कोई पलंग का इंतजाम कर दे तो। बिल्कुल, तो फिर आज ही चलते हैं खंडर। पलंग कहाँ और कैसे लगाना है ये भी देख लेंगे। मेरे एक मित्र है नाना साहब, वो लकड़ियों का बंदोबस्त कर देंगे। वैसे उनकी भी बड़ी इच्छा है कि वो एक बार साई से मिले। फिर मैं नाना साहब को संदेशा भी भिजवा दूंगा। क्यों मालसापति जी, आपके मन में साई के लिए जितना भी प्रेम है उसे अपने मन में ही रहने दीजिए। दुनिया वालों के सामने साईं से दूरी बनाए रखना ही उचित है। क्या हुआ मालसापति जी? अगर आप कहीं व्यस्त है तो मैं हो आता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं भी व्यस्त नहीं हूं, मैं चलूंगा ना आपके साथ। चल तात्या, अब तू भी खा ले। चल सरकार। निकालो, सबका हिसाब निकालो। जिस जिसका एक आना भी शेष है आज सबका हिसाब कर देंगे। बता देते हैं असल और ब्याज में अंतर। सरकार कराए घनश्याम से वसूली? नहीं हुआ सरकार। नहीं हुआ का क्या अर्थ है? सरकार घनश्याम ने कहा कि उसने असल और ब्याज दोनों चुका दिया, अब उसका कुछ भी बाकी नहीं। उसका कुछ भी बाकी नहीं, ये उससे किसने कहा? वो बुढ़िया
जिसका सामान लेने गए थे अंताजी पंताजी। वो समझाती फिरती है सबको कि अपना हिसाब अपने पास रखो, साईं के बताए रास्ते पर चलने के लिए भड़का रही सबको, पढ़ाई करो, जाहिल मत रहो। कहती है सब पढ़े लिखे होंगे तो कोई साहूकार उनके साथ बेईमानी नहीं कर पाएगा। हरिओम। सरकार को बेईमान कहा? देख रहे हो दादा, पहले गांव वालों को भरगलाना, फिर अपने आप को वैद कहना, ये सब कम था कि अब तुम्हारी साहूकारी पर भी प्रश्न उठा रहा है वो बैरागी? वो है कि तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और तुम होके कुछ कर ही नहीं रहे। दादा, थूक चाटे प्यास नहीं मिट्टी दादा, तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा दादा। हिसाब खोलो पंताजी। आबा, हरिओम। पढ़ना जानता है? हाँ सरकार। पढ़ और सुना सबको, कितना बचा है तेरा? 5 रुपया सरकार। अरे ठीक से पढ़। देखो 7 है और इसने कितना पढ़ा? 5। 7 को 5 पढ़ता है? क्या कहा था मैंने, मेरी सत्यता और निष्ठा पर यदि कोई प्रश्न उठाता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेवा करते करते तुम अपने आप को भी भूल चुके हो और वहां घर पर तुम्हारी माँ। क्या कहा वाइजा माँ ने? क्या कहेगी तुम्हारी माँ? तुम्हारी तकलीफ देखकर उसे भी बहुत तकलीफ होती है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके लिए पलंग बनना है। मुझे पलंग की क्या जरूरत? आप हमारे इस कर्म को स्वीकार करें, वरना जो आपकी माँ है वो हमें बहुत डांटेगी। आप और बायजा माँ कुछ दें और मैं स्वीकार ना करूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पलंग नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं
तो मुझे लकड़ियां दे दीजिए, बाकी मैं खुद बना लूंगा। लेकिन ऐसे कैसे? विश्वास कीजिए, मैं बना लूंगा। अप्पा, पलंग साई के लिए बनना है, उन्हें जैसा चाहिए वो बना लेंगे, तो उन्हें लकड़ी दे देते हैं और हम भी चलते हैं। वैसे भी बहुत काम है आज। अच्छा, अनुमति दीजिए। कर्म योग सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, सबसे बड़ा कर्म तो अपने परिवार के लिए होता है। मालसापति जी, आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। अब यहाँ तक आ ही गए तो अंदर भी चलते हैं ना, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम नहीं समझोगी भामा, हम बिना बताए यहाँ आ गए। ये बात सरकार आप देख लीजिएगा, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। अरे वाह, लगता है आज कुछ बढ़िया सा बनाया है तुमने। मैं आप ही के पास आ रही थी, जरा चेक के बताइए ना कैसा बना है। कोई नहीं साहब। माधव, तुम कब आए? आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये मेरी पत्नी भामा, मुझे समाचार मिला था माधव ने शादी कर ली। खंडोबा जी की लीला देखो, जैसे वो जानते थे आज घर में नई बहू आने वाली है। वरना मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों हुई कि मैं कुछ मीठा बनाऊं? इसे ही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लो लो, मुंह मीठा करो, आओ बैठो। अच्छी होता है माधव। माधव प्रणाम। ताई। ताई साहेब। ताई साहेब, ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। माधव, कुछ खास बात? वही नहीं साहेब, रोजगार। अपने गांव में तो भविष्य क्या, वर्तमान भी नहीं। इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली पर नौकरी नहीं मिली, और नौकरी नहीं तो इसलिए सोचा कुलकर्णी सरकार अगर कुछ काम वाम दिला दे तो। क्यों नहीं, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये घबरा रहे थे, हम बिना सूचित किए जो आए, कहीं कुलकर्णी सरकार नाराज ना हो। नहीं नहीं, इसमें नाराज वाली क्या बात है, इंसान तो अपनों के पास ही जाता है ना जब वो मुश्किल समय में होता है। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठो बैठो और ये पूरा खत्म करो, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ। हाँ आ गए आप। हाँ, कब से आपकी राह देख रही थी। ये लीजिए। ये लो। ये सब क्या है? ये मिठाई है और ये लड़के के लिए धोती है। अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं और आप ये सब ले आए। रिश्ता हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, आज रिश्ता जरूर हो जाएगा। ऐसा किसने कहा आपसे? साइन है।
शिक्षा दे माई। कहीं जा रहे हैं? दूसरे गांव साईं। तो भाग रहे हो शिरडी से? भागे नहीं तो क्या करे, कर्ज लिया था बहुत बड़ा, उसका ब्याज हम पे इतना बढ़ गया है, कभी सोचा ही नहीं था। तो हिसाब का ध्यान क्यों नहीं रखा? हिसाब करना आता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। गरीब का कोई नहीं है, भगवान की बहुत सेवा की है, इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की है, फिर भी भगवान ने हमको आज ये दिन दिखलाया। और आज उसी भगवान को सीने से लगाए दूसरे गांव जा रही है। क्या वहां हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, और क्या करें हम? सीधी सी बात है, हिसाब करना सीखो। इस उम्र में सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। जो तुम्हारी कमी है उसे तुम्हें खुद ही पूरा करना होगा, ये सोच लेने से कि केवल भगवान की पूजा करने से वो तुम्हारी कमियों को पूरा कर देगा, तुम्हारी गलतियों को ठीक कर देगा, ये विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। भगवान तुम्हें शक्ति दे सकता है, समझ दे सकता है, मौका दे सकता है खुद को बदलने का, लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी होगी। तुम्हारा कर्म होगा तो उसका भी कर्म होगा। 5 × 2 = 10, 10 में जमा 4, बाकी के ये 6 = 20। ये लीजिए बहिनी साहब, आपका हिसाब मैंने पूरा कर दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो हिसाब किताब में, आखिर इनके रिश्तेदार जो हो, और तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान को तो काम जरूर मिल जाएगा। आने दो सरकार को, उन्हें तुमसे मिलकर ना बहुत खुशी होगी। हरिओम। हरिओम। सरकार, मेरी पत्नी भामा। ना ये तुम्हारा ससुराल है और ना ये तुम्हारा मायका कि मुंह उठाए चले आए। अहो, माधव बहुत पढ़ा लिखा है और हिसाब किताब भी जानता है। हरिओम, ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, मुझे सूचना देकर आना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए, हम लौट जाएंगे आज ही। आज नहीं, अभी। अहो, पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी, आज रात अगर ये लोग यहीं बिताए तो। अरे ओ, आपके लिए। अप्पा पाटिल जी से आपके परिवार का वर्णन सुनते ही लगा कि हाँ, ऐसी संस्कारों वाली कन्या हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो हमारी तो 7 पुश्तों का कल्याण हो जाए। व्यापारी हूं, बहुत कुछ मिला है मुझे राम जी की दया से, यमुना को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी।
अब मैं क्या कहूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे परिवार की कल्पना अपनी यमुना के लिए मैंने की थी, बिल्कुल वैसा ही है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बेटी विदा की है। और यमुना को भी लगेगा कि वो एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गई है। बस 4 जोड़ी कपड़े और 100 तोला सोना लेकर। तोला सोना, ये तो बस बच्चों की खुशी के लिए। अपने लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, श्री राम जी की दया से। पर 100 तोला सोना तो हम ऐसे लोगों में से नहीं है कि पहले लड़की ले आए अपने घर और फिर मांगा। जो भी बात है पहले साफ साफ कह देना अच्छा होता है। और आपके लिए 100 तोला सोना देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होनी चाहिए। आप सुनार जो ठहरे, आप हमें कल तक बता दीजिए कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि और भी कई सारे रिश्ते आए हैं, हमने उनको रोक के रखा है कि पहले आपसे मिल लेते हैं। कल तक क्यों? आप इसमें सोच विचार के लिए कुछ बचा ही क्या है? मुंह मीठा कीजिए। इसका मतलब रिश्ता पक्का। हम लोग अच्छी सी तिथि निकालकर आप लोगों को खबर करते हैं। अच्छा मालसापति जी, हम लोग चलते हैं। अच्छा अप्पा जी, मिलते हैं। कर्मयोग का मार्ग चुनौतियों से भरा है। चुनौतियों से हारते हैं या उन्हें पार करते हैं, यही खेल है जीवन का। आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे? मिठाई तो आप खुद लेकर आए थे ना, और धोती भी। अब कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से 100 तोले सोने का भी इंतजाम कर दे, ताकि उनकी कही बात सच हो जाए। साई ने कहा ना, होगा, जरूर होगा। देखिए, मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ नहीं कहा क्योंकि आपके साई ने कहा। मैंने इसलिए हाँ कहा क्योंकि लड़का अच्छा है, लड़के का परिवार अच्छा है, हमसे ऊंचे खानदान के। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो ये साई साई की रट लगाना आप छोड़ दीजिए। तो ये सोचिए कि 100 तोले सोने का इंतजाम कैसे और कहां से होगा। अगर ये रिश्ता टूट गया तो बहुत बदनामी होगी, फिर जिंदगी भर बैठकर खिलाते रहिएगा इन 3 लड़कियों को। 100 तोला सोना जानती हो कितना होता है? कहां से लाऊंगा मैं इतना सोना? कैसे संभव होगा ये सब?
इतनी रात को कौन होगा? बाबा मैं देखती हूँ। मेरा नाम बिठल है। कोपर गांव जा रहा था, रास्ता भटक गया। क्या आपके घर में कोई है जो मुझे रास्ता बता सके? मैं बाबा को बुलाती हूँ। बाबा, नमस्ते। नमस्ते जी। रास्ता तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले अंदर तो आइए। आइए आइए, बैठिए। देखिए, इतनी रात को कोपरगांव तक का सफर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है। आप आज रात हमारे घर ही रुक जाइए, कल सवेरे निकल जाइएगा। आभार। आभार कैसा, अतिथि तो देवता समान होते हैं। भोजन करेंगे? नहीं नहीं। अरे हाँ हाँ, यात्रा में थके होंगे, भूख तो लगी होगी। यमुना जल्दी से कुछ बना दे। आपकी बड़ी कृपा है। इसमें कृपा कैसी, अगर ऐसे हाल में मैं आपके पास आया होता तो शायद आप भी यही करते। अब मैं आपके सोने का प्रबंध करके आता हूं। जी। घर में इतनी परेशानी है और ये चली है भाकरी बनाने, और आप, आपने तो रात को रुकने का निमंत्रण भी दे दिया, वो भी एक अजनबी को। देखो, रास्ता भटक गए, इतनी रात को कहां जाएंगे? और वैसे भी अगर एक रात हमारे घर रह लेंगे तो इसमें हमारा क्या छिन जाएगा? यमुना बेटा भाकरी बनाओ। बेटी की शादी में 100 तोला सोना कहां से आएगा, इसकी फिक्र है आपको? ठाक के वही 3 पाल। देखो, मैंने कहा ना, रिश्ता हो जाएगा। आपने नहीं, आपके साई ने कहा है। लेकिन क्या आपके साई ने ये कहा है कि कैसे? क्या आपके साई ने कहा है कि 100 तोला सोना नहीं, तुम्हारी बेटी के गुण देखकर ये रिश्ता तय होगा? नहीं ना, आप सच्चाई में जीना शुरू कर दीजिए। और सच्चाई यही है कि अगर हमारे पास 100 तोला सोना है तो ही ये रिश्ता तय होगा, नहीं तो नहीं होगा।